नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की प्रमुख खबरों पर। 2004 में धान खरीदी को लेकर FCI कार्यालय के घिराव के मामले में गिरफ्तार किसानों को जिला न्यायालय ने दी जमानत। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, तो उप संचालक SP निगम बोले, यूरिया के अतिरिक्त प्रयोग से जमीन की उर्वरता शक्ति हो रही है कम। तीसरी खबर का रुख करें तो देश के साथ साथ जबलपुर में भी रहने वाले उत्तर भारतीय एवं बिहार के लोग उत्साह पूर्वक छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मना रहे हैं। रुक करें चौथी खबर का, तो जबलपुर में एक साथ 80 उपनिरीक्षकों का तबादला किया गया है, जिनमें 3 सूबेदार और 41 कार्यवाहक उपनिरीक्षक भी शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो प्लाटून कमांडर के बेटे की चाकू मार करके हत्या। कल रात राजी में बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बात करें अगली बड़ी खबर का, तो राजा का रसगुल्ला गली के सूदखोर महादेव पहलवान के घर पुलिस का छापा। 49 एकड़ जमीन, 3 किलो से ज्यादा चांदी, 10 लाख रुपए सहित हथियारों का जखीरा बरामद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तो प्रसंग संस्था के द्वारा माता पिता का अभिनंदन समारोह व माता पिता पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिशंकर दुबे रहे। उन्होंने कहा कि माता पिता पर निबंध लिखना आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बात करें अगली बड़ी खबर का, तो नाट्य लोक सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था के द्वारा जानकी रमण महाविद्यालय में ताल वाद्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो आज से 12 नवंबर शाम 7 बजे तक संचालित होगी। बात करें अगली बड़ी खबर का, तो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन जबलपुर ने कमर कस ली है। दूसरी डोज लगवाने के लिए 280 केंद्रों में वैक्सीन लगाई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो रसल चौक से इनकम टैक्स 4 नंबर पुल और जबलपुर हॉस्पिटल ब्लूम चौक के बीच लगी दुकानों का निरीक्षण करने के लिए निगम आयुक्त संदीप जी आर अचानक पहुंच गए। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि अगर दुकान के बाहर वाहन सुधारा तो लाइसेंस होगा रद्द। जबलपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।